कैंडिडेट कांग्रेस बीजेपी धोखा है। देश बचाओ मौका। रायचूर न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद सलमान। आज की अहम बात, यशवंत टीवी का नाम चेंज किया गया है अवाम के कहने पे और हमारी पूरी टीम के कहने पे। तो नाजरीन, ये पहला न्यूज चैनल का नाम है जो रायचूर शहर रायचूर से जुड़ता है। बहुत ही खुशी की बात है कि ये पहला चैनल हमारा रायचूर न्यूज है। तो आपको हर खबर से बाखबर रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं। आदाब नाजरीन, रायचूर न्यूज में आपका खैर मकदम है। आज की अहम खबर नाजरीन, हमने देखा है कि आए दिन एमएलए के टिकट के लिए हर पार्टी अपने उम्मीदवार का नाम ऐलान कर रही है। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर रायचूर के लिए यह है कि आम आदमी पार्टी के एमएलए उम्मीदवार का नाम सामने आया है। आम आदमी पार्टी ने डी वीरेश कुमार यादव को अपना एमएलए उम्मीदवार चुना है। आज एक खुशी का मौका आया है रायचूर को। हमारे रायचूर जिले में 5 टिकट घोषित किया गया है, रायचूर और मानवी, सिंधनौर, लिंक्सगोर और रायचूर रूरल एरिया। अब मैं सब लोगों को बधाई देता हूँ, रायचूर के आम पब्लिक लोगों को, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी रायचूर में आना चाहिए, क्योंकि सब पार्टियों को मौका मिला, सब पार्टियों को मौका मिला। पहले कांग्रेस को मिला, बाद में जेडीएस को मिला, फिर वक्त बीजेपी। आपका बीजेपी का सरकार क्या, कैसा सरकार चल रहा आप लोग सब लोग देख रहे, मगर मैं एक बात, आम आदमी पार्टी का, सिटी का, रायचूर का मैं कैंडिडेट होकर तमाम रायचूर के लोगों को एक अच्छा एक मैसेज, संदेश मैं देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे को स्टेट पार्टी वाले एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे के हमारे को कैंडिडेट बनाए, मगर कैंडिडेट किस लिए बनाए, हम रायचूर के तमाम लोगों को, 2.5 लाख रायचूर के लोगों को एक ईमानदार पार्टी हम आ सके, ईमानदार पार्टी यहाँ को आके यहाँ जीत के आके आपको ईमानदारी से काम करने के लिए ये बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी दिए। आज ये जो टिकट मेरे को दिए, ये मेरा एक ही मेहनत नहीं है, तमाम मेरे कार्यकर्ता लोगों का मेहनत से आज मेरे को टिकट मिला। ये मैं बड़ा नहीं, हम लोग पार्टी बड़ा है, पार्टी में से हम बहुत छोटे हैं, मगर हमारे को हमारे कार्यकर्ता लोग पूरे मिलकर एक साल से हम काम करने के बाद ये हमारा नतीजा मिला के हमारे को आज कैंडिडेट बनाया गया है। इसमें सभी लोगों का योगदान है, हमारा भाई अजहरुद्दीन राणा भाई का भी हमारे लिए योगदान है, पूजा रमेश का भी योगदान है, हमारा शेखावली साहब का योगदान है, और मैं हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गुत्तेदार जी का भी मैं बधाई देता हूँ, उनके वजह से भी आज हमारे टिकट मिला है। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी सैयद नुसरत अली और हमारे रूरल कैंडिडेट सांबाजी भाई, ये लोग सब लोग हमारे मेहनत से आज हमारे को एक मौका दिया गया है, मेरे को रायचूर का कैंडिडेट बनाया गया है। मैं आज ये संदेश देता हूँ रायचूर के तमाम लोगों को, ये भ्रष्टाचार बंद करने के लिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए और अच्छा हॉस्पिटल का सहूलत देने के लिए, 35 वार्ड सुधारने के लिए, करंट का व्यवस्था ठीक करने के लिए, पानी का व्यवस्था ठीक करने के लिए, हर एक चीज़ मैं सब लोगों को मैं सहूलत दिला कर रहूँगा। आज मैं वादा करता हूँ रायचूर के पब्लिक लोगों को, कांग्रेस बीजेपी को आप मौका दिए, लोग धोखा दिए, मगर आम आदमी पार्टी को एक मौका दीजिए, सही हक आपको दिलाने में मेरा पूरा दिन रात का मेहनत लगा के पूरी ताकत, एक स्वच्छ रायचूर, अच्छा भ्रष्टाचार मुक्त रायचूर बनाऊंगा बोल के मैं आज एक वादा करता हूँ। धन्यवाद। वीरेश कुमार, रायचूर कैंडिडेट, कांग्रेस बीजेपी धोखा है। देश बचाओ मौका।